नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई सूचना। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे थंबनेल में, ये जो वीडियो है वो RRB JEE भर्ती से रिलेटेड है। इसमें कि जो अब तक टोटल जो जोन वाइज जो फिलअप फॉर्म किए हैं उनकी संख्या के बारे में आपको बताएंगे। तो आप यहाँ अपने खुद का जोन का भी, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया या नहीं किया, तो आप जाँच कर सकते हैं कितनी पोस्ट और कितने फॉर्म अब तक अप्लाई किए गए हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ आपको दिखाते हैं सभी जोन की डिटेल्स वाइज टोटल जो फिलअप अब तक फॉर्म किए गए हैं उनकी और जो वैकेंसी हैं वो सभी। दोस्तों, ये जो हमने जो फिल फॉर्म की जो कैलकुलेशन की है, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं उनके हिसाब से, कि जो अब तक जो फॉर्म फिलअप गए हैं उसके हिसाब से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर में फर्स्ट में जो 4 to 5 डिजिट्स होती हैं जो जोन की होती हैं, और उसके बाद जो लास्ट 6 to 5 to 6 डिजिट्स होती हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, तो उनकी जो टोटल संख्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले ये जो मुंबई है जोन, इसकी अभी तक जो टोटल फिलअप फॉर्म है 2,15,456। दोस्तों, ये वीडियो जिस जैसे ये जो आंकड़े हैं ये 25 तारीख के हैं, उस हिसाब से 25 तक यहाँ पर टोटल 2,15,456 फॉर्म फिलअप हो गए हैं मुंबई में, जहाँ की टोटल वैकेंसी 1,544 थी। और इसी प्रकार दोस्तों, चेन्नई में 1,98,751 फॉर्म फिलअप हुए हैं अब तक। तो दोस्तों, जैसा कि देखते हैं, सबसे बड़े दो ही जोनों पर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी यहीं पे थी और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहीं पे फिलअप किए गए हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं मुंबई में अभी तक 2,15,456। दोस्तों, लास्ट डेट 30 तारीख है, तो हो सकता है 30 तक ये 250 और एक्रॉस 3 लाख तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट लास्ट टाइम में ही फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं सभी जोन के अलग अलग, क्योंकि जो लोग पहले से ही LP और इनकी लोको पायलट की तैयारी के, तो पेपर देने के बाद में फिर UK और इन सब का फॉर्म फिलअप करेंगे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सिकंदराबाद बोर्ड की। यहाँ पे अब तक जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए 1,46,458, टोटल पोस्ट 789 थी। उसी प्रकार इलाहाबाद बोर्ड में अगर देखते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों सीट 1,146 हैं और जो टोटल फिलअप फॉर्म हुए हैं 2,11,471 हुए हैं। इसी प्रकार चंडीगढ़ में देखते हैं, तो 996 सीट थी यहाँ पे, और चंडीगढ़ में टोटल अब तक 1,05,915 फॉर्म फिलअप हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे जो कोलकाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा हैं, 1,519 हैं, और फॉर्म अभी तक 97,846 हुए हैं। तो दोस्तों, आप लगभग अपने खुद होम डिस्ट्रिक्ट, जो आपका होम सेंटर, ये जो जोन पड़ता है उसमें ही फॉर्म करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में भी और आगे अगर पोस्टिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जैसे नॉर्थ साइड के हैं और कोलकाता साइड से अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने में भी और वहाँ पर आने जाने में भी दिक्कत होगी। इसी प्रकार अगर कोई साउथ जोन का नॉर्थ से भरता है तो भी दिक्कत होती है, तो अपने अपने होम जोन से करें। दोस्तों, सब कुछ प्रिपरेशन पर डिपेंड होता है, कट ऑफ में 10-5 नंबर का जो फ़र्क होता है, वो आप अगर थोड़े ढंग से प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर भी आपका सलेक्शन आराम से हो जाएगा अपने अपने जोन में भी। तो दोस्तों, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, बेंगलोर में टोटल 708 पोस्ट हैं और यहाँ पर 94,581 फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं अब तक। इसी प्रकार अगर आगे हम देखते हैं, तो अजमेर, अजमेर में टोटल 825 पोस्ट थी, 62,157 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अहमदाबाद में 339 सीट थी, 52,046 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। गोरखपुर में 645 पोस्ट थी और यहाँ पे अब तक 41,567 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। इसी प्रकार भोपाल बोर्ड में 383 पोस्ट थी, 41,159 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। भुवनेश्वर में 242 पोस्ट थी, 36,480 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। गुवाहाटी में 586 पोस्ट थी और 35,281 फॉर्म फिलअप किए हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, जो ये लास्ट के जोन है, ये भुवनेश्वर है, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, जम्मू, रांची, यहाँ पे सीट तो कम है ही है। जैसे सबसे जो कम सीट अगर देखते हैं, तो मुजफ्फरपुर है, त्रिवेंद्रम है, और इसी प्रकार यहाँ पर मालदा भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म भी कम ही फिलअप किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग वह फॉर्म फिल भी कम करते हैं और वहाँ पर सीटें भी कम ही हैं। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे भी आप कोशिश नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी फॉर्म सबसे ज़्यादा लग चुके हैं। तो आप, हम तो यही करते हैं आपसे, कि आप अपने खुद के होम जोन में ही फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें। और इसी प्रकार दोस्तों, अब जहाँ पे हम चलते हैं, गुवाहाटी में 586 जो टोटल पोस्ट हैं उन पर 35,281 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। त्रिवेंद्रम में 137 पोस्ट थी, जिसके लिए 32,671 तक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। जम्मू में अगर हम देखते हैं, तो 460 पोस्ट थी, वहाँ पर 25,411 फॉर्म अब तक फिलअप हो चुके हैं। रांची में 365 पोस्ट थी, 24,571 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। पटना में 299 सीट थी, वहाँ पे 23,419 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। सिलीगुड़ी में 195 पोस्ट थी, वहाँ पे 8,516 पोस्ट फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर में 114 सीट थी, वहाँ पे 9,460 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। और मालदा में 148 पोस्ट थी, वहाँ पे
7,158 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा है 25 तारीख तक का है, और हो सकता है लास्ट डेट जैसे जैसे आती है उसमें फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं लास्ट के दिनों में ही। तो जैसा कि यहाँ मुंबई का अगर हम आंकड़ा लगाएं तो यहाँ पर 215,456 फॉर्म जो अब तक फिलअप हुए हैं। हो सकता है ये जैसे मतलब जिस टाइम से लेकर आज 25 दिन के अंदर ये फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो नेक्स्ट 5 डेज में हम भी कर सकते हैं फॉर्म 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक भी फॉर्म फिलअप हो सकते हैं टोटल अगर काउंटिंग होगी तो 2.5 लाख या 3 लाख तक आंकड़ा पहुँच। इसी प्रकार जो सभी जोनों के जो ये संख्या है वो लास्ट 23 जनवरी जो ये लास्ट डेट है उसके बाद तक 30 जनवरी तक और भी एक्सटेंड हो सकते हैं फिर जो फिलअप जो फॉर्म संख्या है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि सभी प्रकार के आपके पास सभी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन रिलेटेड सभी आपके पास सबसे पहले आ सकें। उसी के साथ बेल आइकन बटन को दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों ये जो हमने आपके पास सभी बता दिए हैं कहाँ कहाँ से अगर आप तक अभी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो आपको इनमें हेल्प भी मिलेगी और कितना कंपटीशन रहेगा वो सब भी आपको इसे पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम यही आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन सभी को भी पता चल सके जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया वो भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें हैं और कितने फॉर्म अब तक फिलअप हो चुके हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।